हे फ्रेंड्स, वेलकम टू बेंगलुरु ब्रदर्स। मेरा नाम है अर्णव। ये मेरा पहला इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। इससे पहले मैंने एक दो वीडियोस ज़रूर डाले थे विच वॉज जस्ट मेड फॉर फन। तो आपने अंकित के भी काफ़ी वीडियोस देखे होंगे इस चैनल पे, जिसमें वो बताते हैं कि हेयर फॉल कैसे कम किया जाए और हेयर ग्रोथ कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो अगर आपने नहीं देखा, आप ज़रूर देखिए वो वीडियोज़, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने उनको ट्राई किया था और उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और अंकित खुद भी एक फॉलोअप वीडियो बना रहे हैं विच ही पोस्ट आफ्टर दिस, जिसके अंदर वो बताएंगे कि उन्होंने जब खुद के ऊपर ट्राई किया वो सब रेमेडीज़, तो क्या इफेक्ट रहा उनके उनके बालों की ग्रोथ पर और क्या हेयर फॉल कम हुआ या नहीं। तो मेरा जो आज का ये वीडियो है, इट इज़ ऑन रिलेटेड टॉपिक विच इज़ डैंड्रफ। डैंड्रफ काफ़ी लोगों को होता है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत इरीटेटिंग है। तो बेसिकली मुझे बचपन से डैंड्रफ था और मॉम डैड ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए मेरे साथ, बट अनफॉर्चुनेटली गया नहीं डैंड्रफ पूरी तरीके से। तो क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मैं घर आया हुआ हूँ और एक होम रेमेडी मुझे मेरी मॉम ने बताई, जो कि पिछले 2 वीक से मैं ट्राई कर रहा हूँ और काफ़ी इफेक्टिव मुझे लग रही है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली ऐसे मेरे बाल नहीं थे। आज से 15 दिन पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था। अभी मैंने खुद ने ही ट्रिमर से कुछ उल्टा सीधा कर लिया, बट इफेक्टिव तभी होती है कोई रेमेडी जब आपकी स्कैल्प तक पहुँचे, और उसके लिए छोटे बाल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक नंबर 1 प्री रिक्विजिट है इस रेमेडी का। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और कोई भी इसे अपने घर पे ट्राई कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको चाहिए एलोवेरा का ये लीफ, ये पत्ता जिसको हिंदी में ग्वार पाठा बोलते हैं। फिर आपको चाहिए पतंजलि का ये टंकण भस्म, 5 रुपये का 5 ग्राम आता है, आपको किसी भी पतंजलि स्टोर पर या फिर ग्रोसरी स्टोर पर यह मिल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए कोकोनट ऑयल, नारियल तेल, कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं, और आधा कटा हुआ नींबू। तो प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये एलोवेरा का जो लीफ है, इसको बीच में से स्लाइस करना है, जिससे कि इसके दोनों एंड्स पे आपको ये सेमी सॉलिड ट्रांसपेरेंट एलो मिल सके। इस एलो को आपको एक नाइफ की मदद से एक बोल के अंदर निकाल लेना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना बेटर है। इस साइज़ की एक लीफ में आपका काम आराम से हो जाएगा। अगर आपको एलोवेरा की लीफ नहीं मिलती है या एलोवेरा का पौधा आसपास नहीं है, तो आप कोई भी एलोवेरा का जेल जो मार्केट में मिलता है उसको यूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ट ये रहेगा कि आप ये लीफ यूज़ करें। उसके बाद आपको टंकण भस्म का ये जो पैकेट है, इसको पूरा उस एलोवेरा के अंदर डालना है। ये 5 ग्राम का पूरा पैकेट आप इसके अंदर आराम से डाल सकते हैं। उसके बाद आपको कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल तेल इसके अंदर डाल देना है। जितना हम नारियल तेल रोज़ यूज़ करते हैं अपने बालों में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको इसके अंदर डालना है, क्योंकि ये मिक्स होगा बाकी सब के साथ। उसके बाद आप इसके अंदर आधा कटा हुआ नींबू जो हमने लिया था, जो लेमन था, उसको स्क्वीज़ करके इसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद आपको इसके इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है अपने हाथों से, एलोवेरा को अच्छे से मैश करके पूरे इंग्रेडिएंट्स को आप आपस में मिक्स कर लीजिए। आप इसको तब तक मिक्स कीजिए जब तक इसके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग आपको ना दिखें, एक ओवरऑल सॉल्यूशन बन जाए। बेसिकली पेस्ट तैयार है और इसको अपने स्कैल्प पर आप राउंड मोशन के अंदर अच्छी तरह से लगा लीजिए, और इसको लगाने के बाद ये सूख जाएगा। इसको आपको सिर्फ 30 मिनट्स तक अपने स्कैल्प के ऊपर रखना है, उसके बाद आप शैम्पू से अपने बाल धो सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि डैंड्रफ जो है आपका, जो अगर चैपिंग हो रखी है या कुछ भी हो रखा है, तो इट विल कम अप और आप उसको फिर झाड़ के डैंड्रफ को हटा सकते हैं और काफ़ी डैंड्रफ कम हो जाता है। तो ये रेमेडी आपको वीक में 2 बार करनी है और आपको सिर्फ 3 महीने तक करनी है। तो इसमें जो ये टंकण भस्म जो पतंजलि का, दिव्य पतंजलि का जो आता है, वो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसलिए आपको सिर्फ 3 महीने तक करना है और वीक में 2 बार। और अगर आपको एलोवेरा, अगर आपका पौधा नहीं है घर में या कुछ भी एलोवेरा से आप कहीं से आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एलोवेरा जेल जो बिल्कुल फ्रेश वाला, जो नेचुरल वाला जेल जो आजकल मार्केट में मिलता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगा इसके। तो ये था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स। इसका जो प्रोसेस है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख दूंगा, जिससे कि आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट बैक टू यू। और प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बेल आइकन दबा सकते हैं आप, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ आप आगे मिस ना करें। और हम ऐसे कुछ वीडियोज़ ज़रूर डालते रहेंगे आपके लिए। टिल देन, बाय बाय।